प्रधानमंत्री के बेटे राहुल को भी करनी पड़ी थी नौकरी। किस कंपनी में की राहुल गांधी ने पहली नौकरी? काम के लिए राहुल गांधी को मिली कितनी सैलरी? राहुल की डिग्री से पहली नौकरी तक, ये है पूरी कहानी। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की कमान संभाल चुके राहुल गांधी ऐसे परिवार से आते हैं जिसने देश को कई प्रधानमंत्री दिए। यहाँ तक कि उनके परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जबकि दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी भी देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यही वजह है कि आज के सियासी दौर में बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी पर तंज मारते हुए कहते हैं कि वो तो ऐसे परिवार से आते हैं जो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इतने मजबूत पारिवारिक बैकग्राउंड से होने के बावजूद राहुल गांधी को आम युवकों की तरह नौकरी करनी पड़ी थी और काम के लिए उन्हें सैलरी भी मिली थी। ये सैलरी कितनी थी आप भी जान लीजिए। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो या फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के तमाम नेता चांदी का चम्मच वाले मुहावरे के बहाने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की खूब खिंचाई करते रहे, क्योंकि राहुल गांधी का रिश्ता उस गांधी नेहरू परिवार से है जिसने हिंदुस्तान में लंबे समय तक सरकार चलाई और देश के प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी ऐसे परिवार से आते हैं जो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर ही पैदा हुए, इसलिए उनका परिवार इस योजना में कवर नहीं हुआ। आप बताइए, स्वच्छता अभियान मोदी जी ने 2014 में लाल किले के प्राचीर से कहा कि स्वच्छता अभियान करेंगे, और ये चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए नेता ने, अखिलेश जी, राहुल जी, सब लोगों ने मजाक उड़ाया था मोदी जी का। क्या है प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात करता है लाल किले से? कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी की ओर से ऐसे हमले होते रहते हैं क्योंकि अपनी मां सोनिया गांधी और पिता राजीव गांधी की तरह वो भी पिछले कई सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। लेकिन आपको बता दें कि राजनीति में उतरने से पहले राहुल गांधी भी आम लोगों की तरह कंपनी में नौकरी करते थे और उन्हें काम के लिए कंपनी की ओर से बकायदा सैलरी भी मिलती थी। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने हाल ही में कली टेल्स यूट्यूब चैनल की एडिटर इन चीफ कामिया जानी को एक इंटरव्यू दिया था। इसी इंटरव्यू में राहुल गांधी ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी कई बातें बताई थी, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पहली नौकरी के बारे में भी बताया था। राहुल गांधी के मुताबिक उन्होंने पहली नौकरी करीब 25 साल की उम्र में लंदन में की थी, जो एक स्ट्रेटजी कंसल्टेंट्स कंपनी थी जिसका नाम मॉनिटर कंपनी था। ये एक कॉर्पोरेट जॉब थी जिसमें राहुल गांधी किसी सामान्य कर्मचारी की तरह रोज रोज ऑफिस जाते थे और उनकी पहली सैलरी करीब 3,000 पाउंड थी। इस सैलरी का इस्तेमाल राहुल गांधी किराया और रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों के लिए करते थे। आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुरुआती दौर में लंदन दरअसल इसलिए नौकरी की थी क्योंकि राजनीति में आने से पहले राहुल गांधी ने सुरक्षा कारणों की वजह से विदेश में रहकर ही अपनी हायर एजुकेशन पूरी की। उन्होंने ब्रिटेन के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स विषय की पढ़ाई की। जब राहुल हार्वर्ड में थे उसी दौरान उनके पिता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई, जिसकी वजह से उन्हें सुरक्षा कारणों से हार्वर्ड छोड़ना पड़ा था। इसके बाद राहुल गांधी अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित रोलिंस कॉलेज चले गए। वहां उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन एंड इकोनॉमिक्स विषय में पढ़ाई की और फिर लौटकर इंग्लैंड आए राहुल गांधी ने यहां की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री हासिल की और फिर इसके बाद उन्होंने लंदन में अपनी पहली नौकरी की, जिसके लिए उन्हें करीब 3,000 पाउंड सैलरी मिली, जिसकी वैल्यू आज के दौर में भारतीय रुपए के मुताबिक 3 लाख रुपए है। लंदन में नौकरी करने के कुछ सालों बाद 2004 में जब राहुल गांधी देश की राजनीति में उतरे तो उनकी मां सोनिया गांधी ही कांग्रेस की अध्यक्ष थी। इसी दौरान उन्हें अमेठी सीट से कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ाया गया और चुनाव जीतकर राहुल गांधी लोकसभा पहुंचे। अमेठी से लगातार 3 बार सांसद रहे राहुल गांधी को हालांकि 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।
उन्हें बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने हराया। फिलहाल राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं। बहरहाल राहुल गांधी की पहली नौकरी और सैलरी के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।